आप इटली जा रहे हो, फ्रांस जा रहे हो, बट मॉन्टीनेग्रो जैसे कंट्री को स्किप कर रहे हो सोच के कि यहाँ पे कुछ है। टाउन का व्यू, उसका नाम है हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मॉन्टीनेग्रो का जर्नी बुधवा सिटी में। तो बुधवा मेन सेंटर से या सिटी सेंटर से 10-12 किलोमीटर का रास्ता है श्वेति स्टेफान। तो ये जो जगह एक प्राइवेट आइलैंड है जहाँ पे अमन श्वेति स्टेफान रिजॉर्ट है के बाजू में एक बीच है श्वेति स्टेफान बीच। तो वहाँ पे भी जाएंगे, देखेंगे अगर अलाउड है तो। मैं सुना हूँ कि वो प्राइवेट बीच है, अगर अलाउड है तो जाएंगे, नहीं तो फिर बाहर से दिखा दूँगा आपको। सो ये रिजॉर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अलाउ नहीं है अंदर जाने के लिए जो रूम बुक नहीं करते हैं, और वहाँ पर रूम का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो अभी मैं आप लोगों को ये श्वेति स्टेफान का जो आइकनिक पिक्चर जो आप लोग देखते हैं सारे इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक, सब जगह यूट्यूब के थंबनेल्स में बहुत बार आप देखे होंगे मॉन्टीनेग्रो का वीडियोस में, तो वो प्लेस में आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे ये जो श्वेति स्टेफान था, पहले पास्त्रोविकी की कम्युनिटी के कैपिटल बोल सकते हो आप, तो जो प्रोटेक्टर थे रिपब्लिक ऑफ वेनाइस का, तो वहीं से ये नाम आया है शायद। बाद में ये लोग वेनाइस का जो पास आए थे, वेनाइस का किंगडम में शामिल हुए थे, क्योंकि उनको डर था टुर्क्स के अटैक्स की वजह से। तो रोड जो था बहुत ज़्यादा कर्वी था, तो अभी नीचे भी कर्व है पूरा, कार बाजू में पार्क करके ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। अभी देखेंगे अगर नीचे पार्किंग हुआ तो फिर जाके वहाँ पे पार्किंग भी करेंगे। जब आ रहे हो श्वेति स्टेफान बीच में, तब अंदर आने के लिए आपको 2 यूरो का पार्किंग चार्ज लगेगा जब आप कार में आ रहे हो। और यहाँ पे बस भी आती है, वहाँ पे बस स्टॉप है जस्ट ऊपर, जब डाउन आओगे तो उससे जस्ट पहले ही बस स्टॉप एक है। तो बस का प्राइस मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन बुधवा से बस चलती है श्वेति स्टेफान के लिए, जो कि 10-11 किलोमीटर मैक्स है सिटी सेंटर से, बुधवा सिटी सेंटर से। अभी ये बताना था कि इसके अंदर जो प्राइवेट रिजॉर्ट है उसके साइड में बीच भी है। तो पहले बीच एक्सेसिबल नहीं था, लेकिन अभी ऑफ सीजन है इसलिए शायद मैं सोच रहा हूँ कि शायद बीच एक्सेसिबल हो। लेकिन इतना सुंदर व्यू मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, मैं वॉक करते करते जा रहा हूँ, इतना सुंदर व्यू, मतलब वन ऑफ द बेस्ट व्यू आई हैव सीन एवर इन माई लाइफ, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है। पानी मतलब पूरा जो बोलते हैं ब्लू सी है, और बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर। तो वहाँ पे एक छोटा सा रास्ता है जाने के लिए वो रिजॉर्ट के तरफ, शायद वो अलाउड हो या ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ 2 यूरो दिए तो ट्राई करेंगे थोड़ा जाने के लिए। और अभी चलो घूमते हैं मेरे साथ, आप देखो ये सुंदर सा बीच मॉन्टीनेग्रो का बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये पानी देखो कितना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है, खतरनाक, देख रहे हो कितना, मतलब इसको ऐसे ही प्राइवेट ही रहने दो भाई, ये लोग ज्यादा आएंगे तो ये शायद बिगड़ सकता है इसका चार्म। और पीछे है ब्लैक माउंटेन्स, और ये है श्वेति स्टेफान का रिजॉर्ट प्राइवेट आइलैंड के ऊपर, और यहाँ पे भी ये देखो छोटा सा आइलैंड है। श्वेति स्टेफान का जो रिजॉर्ट है उसका एंट्री पॉइंट, और मेरे पीछे आप देखो कितना क्लियर पानी है, और ये पीछे श्वेति स्टेफान का बीच है। और आप अगर टिकट कर रहे हो तो
कार के लिए, तो नीचे कार पार्किंग कर देना अच्छा होगा, 1 घंटे का 2 यूरो दे के। नहीं तो ऊपर पार्किंग करके आ सकते अगर आपको पार्किंग फ्री मिल जाए। तो वो वाला जो रास्ता है उसमें आप आ सकते हो रिजॉर्ट तक। तो अभी यहाँ पे लगभग 40-45 मिनट बैठे, थोड़ा सा रिलैक्स किया और थोड़ा सा फील किया, क्योंकि वीडियो में इतना मैं कैप्चर नहीं कर सकता जितना मैं खाली आँख में देख सकता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लेस है एंड लोग भी अच्छे हैं यार, मेन चीज़ है कि यहाँ पे लोग अच्छे हैं। तो अभी यहाँ से जाते हैं फिर दूसरा लोकेशन जहाँ पे जाएंगे। मेरे पीछे देखो, ये कोई ग्रीस नहीं है, ये है मॉन्टेनिग्रो। और ऐसा कमेंट भी नहीं मार सकते हैं कि हाँ ग्रीस जैसा दिख नहीं रहा है, एक्चुअली ग्रीस जैसा दिख रहा है लेकिन लोग कम है। सेम व्हाइट टाइप का बिल्डिंग, सेम ब्लू टाइप का डोर्स एंड विंडोज। और सारे जगह ओलिव के ट्री है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर एरिया। ये जो सी है इसको एड्रियाटिक सी बोलते हैं। तो ये मॉन्टेनिग्रो का बुधवा में पीछे ये साइड है ओल्ड टाउन का व्यू, और इस साइड एक दूसरा आइलैंड है। इस जगह मुझे मिक्स ऑफ एवरीथिंग लग रहा है, मतलब भगवान ने जगह को कूट कूट के नेचर दिए हैं, जैसे कि पहाड़ हो गया, समंदर हो गया, दोनों का मिक्सचर है, और क्या चाहिए। फिर एक ही अंदर एक जगह है जिसमें पूरा अंदर तक रास्ता जैसा है, और इससे पीछे गया है वहाँ तक, मतलब क्या सही नेचर है ना, समंदर पहाड़ सब एक ही जगह, कॉम्बिनेशन है सबका। ये एक रास्ता है यहाँ से, जब आप ओल्ड टाउन से निकल रहे हो बैलेरिना के लिए, तो ऐसे माउंटेन के साइड में पाथ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब इतना सीनिक व्यू, वन ऑफ द बेस्ट व्यू आई कैन से। मतलब मॉन्टेनिग्रो बार बार मतलब सरप्राइज कर रहा है, एक एक जगह जहाँ पे जाके आओ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। This is another view.
क्या व्यू है यार, मतलब अमेजिंग अमेजिंग। छोटा छोटा केव टाइप का है और इतना सुंदर व्यू देखो। ये है मॉन्टेनेग्रो का बुधबा का ओल्ड टाउन के पूरा पास में जो बीच है उसका व्यू। सही जगह है, मतलब अगर आप इटली जा रहे हो, फ्रांस जा रहे हो, बट मॉन्टेनेग्रो जैसे कंट्री को स्किप कर रहे हो सोच के कि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ यहाँ पे सब चीज़ का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे जैसे जैसे चीज़ है ना आपको बड़े बड़े कंट्री में नहीं मिलेंगे। और कुछ साल के बाद, याद रखिए, कुछ साल के बाद मॉन्टेनेग्रो इतना डेवलप्ड हो जाएगा कि यहाँ का जो प्राइस इतना सस्ता है ना, 50-60 यूरो में आपको होटल मिल जा रहा है, वो नहीं मिलेगा। फ्लाइट जो सस्ता है, होटल सस्ता है, सब सस्ता है, वो इतना नहीं मिलेगा, फिर वो बढ़ जाएगा क्योंकि लोग आने लगेंगे। तो बस अभी निकलते हैं और देखते हैं ओल्ड टाउन के अंदर जाके। कल रात को गए थे, अभी 4 बज चुका है, इवनिंग होने वाला है। तो अभी निकलते हैं ओल्ड टाउन की तरफ। कितना सुंदर है यार बैकग्राउंड देखो, वो जो डांस वाला एक लड़की से हाथ उठा के जिन्मास्टी जैसा खड़ी है ना, उसका नाम है द डांसिंग गर्ल इंग्लिश में, और बैलेरिना समथिंग है यहाँ पे बोलते हैं वो एरिया का नाम। तो यहाँ से निकलते हैं, अभी ओल्ड टाउन के अंदर जाएंगे। और यहाँ पे मैं सोच रहा था आधा घंटे घूमूंगा, लेकिन इतना सही जगह था ना, मैं बैठ गया, लिटरली सनसेट तक बैठ गया। तो अभी देखते हैं ओल्ड टाउन, अंधेरा होने से पहले थोड़ा सा घूम लेते हैं।